वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे कैमरा पकड़ के व्लॉग कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट खुशी हो रही है कि फाइनली मैं व्लॉग कर रही हूँ। सो अभी मैं अपने टेरेस वाले घर पे हूँ, मतलब ऊपर वाले घर पे। यहाँ पे आजकल काम थोड़ा बंद है कुछ दिनों से, तो मैं रोज़ सुबह यहाँ पे आ जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके। बारिश होती रहती है, तो मैं यहाँ पर विंडो के साइड में बैठ कर आराम से व्यू एंजॉय करते करते अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइस, कुछ वीक से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी, कुछ भी काम वगैरह करने का मन नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा 3 हफ्ता हो गया, मेरा एक भी लॉन्ग वीडियो अभी तक लाइव नहीं गया है। सो मतलब ऐसे फेजेस आते रहते हैं सबके लाइफ में, सो इट्स फाइन। आज मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम मोटिवेटेड होकर आई हूँ, क्योंकि टुडे इज़ अ स्पेशल डे। इसके लिए ही मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया है। सो मैं परचेज़ करने वाली हूँ iPhone 15 Pro Max। यस, तो अभी मैं जिस फ़ोन से अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ ये है iPhone 12, एंड ये मैंने परचेज़ किया था 2022 में। ये 128GB वाला है, एंड इसमें मैं अपने लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट्स वीडियोस एंड इंस्टाग्राम की रील्स सब शूट करती हूँ। तो स्पेस की मुझे बहुत ज़्यादा कमी होने लगी है, तो इसी वजह से मैं जब तक एक वीडियो शूट करके उसे लाइव ना कर दूँ, मैं दूसरे वीडियो मतलब शूट ही नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए स्पेस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, एंड मैं बहुत दिनों से चैन से प्लान कर रही थी कि एक आईफोन ले लेती हूँ, बट अभी हिम्मत करके मैंने कल ही जाकर, मैं ऑफलाइन स्टोर से ही ले रही हूँ, तो कल जाके मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो वहाँ पे आज आ जाएगा, 10-12 बजे वो कॉल करके बुलाएंगे आ जाने के बाद, तो तब जाके मैं लाऊंगी अपना iPhone 15 Pro Max। कितना क्या प्राइस होगा सब मैं आपको बाद में बता दूंगी। सो ये मैं 1TB वाला परचेज़ कर रही हूँ, एंड अगर आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको पता होगा कि स्पेस, मोबाइल में स्पेस होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने 1TB वाला ही मैं परचेज़ करने वाली हूँ। तो या इसी के लिए मैं आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ एंड मोटिवेटेड हूँ, तो इसलिए मैंने आज व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर दिया है। एंड अब आईफोन आने के बाद तो और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, तो अभी एकदम दबा के काम करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ये बनाना ओट्स स्मूदी है, एंड अभी कुछ दिनों से मेरा यही रेगुलर चल रहा है ब्रेकफास्ट में। सो या सो गाइस, अभी दुकान वाले भैया का फ़ोन आया था कि आपका iPhone 15 Pro Max आ चुका है। सो उन्होंने पूछा कि अभी आप आकर लेंगी या फिर शाम को, तो मैंने कहा अभी जाकर लूँगी, क्योंकि मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। सो मैं वहाँ पर अकेले जाने वाली थी, बट मेरे एक फ्रेंड को मैंने बुलाया है, तो हम दोनों जाएंगे लेने। एंड वहाँ पर तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपको घर आके अच्छे से एकदम अनबॉक्स करके दिखाऊँगी। सो या चलते हैं अपना iPhone 15 Pro Max लेने। So guys, this is my today's OOTD. सो गाइज, आई एम बैक होम एंड मैंने घर आके शावर लिया, अपना लंच किया, एंड फाइनली मेरा iPhone 15 Pro Max मेरे हाथ में है। बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी मिल रही है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से प्लान कर रही थी इसे ख़रीदने का, एंड फाइनली ये चीज़ मेरे हाथ में है, तो खुशी तो मुझे बहुत हो रही है। ऐसा मेरा बहुत पहले से कभी ड्रीम नहीं था आईफोन पकड़ने का, जैसे आजकल के लोगों का होता है कि आईफोन चाहिए ही चाहिए, वैसा कभी नहीं था। बट जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तब से ये था कि आईफोन लेना है, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी तो आईफोन की क्वालिटी होती है। तो फर्स्ट मैंने आईफोन 12 लिया एंड उसके बाद अभी आईफोन 15 Pro Max लिया, वो भी 1 TB वाला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो थैंक यू ऑल, आप सबकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। एंड जब भी आप कुछ अपने पैसों से खरीदते हो तो उसकी खुशी तो कुछ और ही लेवल की होती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। एंड इसे मैंने अनबॉक्स तो दुकान पर ही कर लिया था, वहाँ पर सब कुछ चेक वगैरह कर लिया था मैंने, बट आप सबके लिए यहाँ पर भी मैं फिर से अनबॉक्स करके आपको दिखा दूँगी मेरा आईफोन। ये मुझे पड़ा 1,62,000। किडनी बेच दी मैंने। नहीं गाइस, किडनी नहीं बेची है, पैसों से ख़रीदा है, इतने सारे पैसे देकर ही ख़रीदा है। सो या अभी मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। Just the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your weight? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money, but the हाय गाइस, सो आज है संडे एंड अभी शाम के 5 बजे हैं। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना शूट कर रही थी, आज बहुत सारे शूट मुझे कंप्लीट करने थे। उसके बाद लंच करके मैं सो गई, सीधा अभी उठी हूँ। सो अभी शाम को मुझे स्नेहा के साथ थोड़ा बाहर जाना है, क्योंकि वो कबड्डी खेलने जा रही है भुवनेश्वर अपने स्कूल की तरफ से। तो 4-5 दिनों के लिए वो जा रही है एंड मैं मिस करने वाली हूँ उसे। 4-5 दिन उसके बिना रहना पड़ेगा, ठीक है, रह लेंगे। एंड सोच रही हूँ थोड़ा आईब्रो शेप भी करवा के आ जाऊँ, आईब्रो थोड़ा थोड़ा निकल गया है मेरा। एंड बाल भी ट्रिम करवाने का सोच रही हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ सोचा है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं किया है, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो थोड़ा शॉपिंग तो वो करने जा रही है, शॉपिंग वॉपिंग करके खा पी के थोड़ा चले आएंगे और क्या। सो या यही है प्लान। एंड आज है रथ यात्रा, पूरी का रथ यात्रा है। कल हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ तो 2 दिन होता है, मंडे होगा एंड ट्यूज़डे होगा। सो मैं अगर जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सो आज पूरी का रथ यात्रा है। सो हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो या मिलते हैं। अभी स्नेहा गई है कबड्डी प्रैक्टिस करने, स्कूल गई है। सो वो आने के बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। तो आपसे तब मिलती हूँ, बाय। What? क्या बोल रही है? प्रैक्टिस हो गया? All ready. All the best. Thank you. जीत के आना। हाँ। वरना वहीं से चले जाना। हाँ, कहाँ जाऊँगी? गुड मॉर्निंग गाइज। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड आज सुबह मैं 4:30 बजे उठकर स्नेहा को स्टेशन छोड़ने गई थी, वो कबड्डी खेलने चली गई एंड उसके बाद मैं घर आकर सो गई थी। जस्ट अभी उठी हूँ मैं। एंड गाइज लुक एट माई न्यू हेयर कट। कल मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाई थी कि मैंने कैसा हेयर कट किया है। सो मैंने पीछे वाले हेयर्स को तो यू शेप में कट किया है, पहले मेरा स्ट्रेट कट था तो अभी मैंने थोड़ा यू शेप में कट करवा दिया एंड फ्रंट वाले मैंने लेयर्स टाइप के कट किए हैं, ये यहाँ तक लेयर्स हैं। सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा हेयर कट। मैंने लास्ट अपना हेयर कट करवाया था December 31 को, तो 6 months हो गए मुझे कोई भी हेयर कट करवाए बिना, तो मैंने सोचा चलो कुछ ट्राई करते हैं अपने हेयर्स के साथ। सो या आई एम लविंग दिस हेयर कट। So guys, आपको मेरा ये न्यू हेयर कट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या इसी के साथ हम आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।